आप सभी दर्शकों को संवाद 365 की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के धौलाना तहसील के सिखेड़ा गांव में सरकारी खाद्य सामग्री वितरण के दौरान राशन डीलर के द्वारा वितरित किए गए गेहूं और चावल में छोटे छोटे कंकण पत्थर के टुकड़े मिले। राशन उपभोक्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए धौलाना तहसील परिसर में राशन डीलर द्वारा बांटे गए राशन सामग्री को लेकर तहसील परिसर में रखकर प्रदर्शन किया। धौलाना तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर राशन डीलर पर कार्रवाई की मांग की गई। और राशन पर हमें बदतमीजी करता है, जो कि भगो भगो यहाँ से ललकारे दुलकारे देता है, फिर इसमें 2-3 किलो कबाड़ लगा देता है, उसमें परेशानी होती है, फिर 5-5 किलो क्या कहता करा, ये कम देता। देखो जी, डीलर के इतना आतंक हो चुका है गांव में कि एक महीने में एक बार कोटा खोल रहा है। जैसे अंगूठे लगवा लिए, लेने गए, किसी का नहीं लगा, उनका मशीन नहीं पकड़ रही, फिर एक महीने में शाम तक उसका नंबर आता नहीं है, उसका कोटा ख़त्म। अब जो नाज दिया है, आदमी कम खा सकता है, लेकिन इसमें 1 किलो तो कम दे ही रहे हैं, एक यूनिट पे 1 किलो कम दे रहे हैं पूरा। और उसके बाद भी इसमें जो है इतनी डस्ट और बदरपुर मिला हुआ है कि खाने योग्य है ही नहीं। उत्तर प्रदेश के धौलाना में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले खिलाड़ियों के साथ हो रही अनदेखी का सब्र का बांध अब टूट गया है। इसी के तहत धौलाना ब्लॉक के बास्तपुर रोड के महाराणा प्रताप स्टेडियम पर भारतीय किसान संगठन पहुंचा, जहां खिलाड़ियों के साथ अधिकारियों के द्वारा की जा रही अनदेखी को लेकर उन्होंने तहसील प्रशासन से अधिकारियों से धौलाना ब्लॉक पर खेल करवाने की मांग की। मामला ये है कि काफ़ी समय से एक तो ब्लॉक लेवल के खेल नहीं हो पा रहे हैं, जिससे मौका मिलता था बच्चों को आगे बढ़ने का। हमने SDM साहब और खेल सहायक अधिकारी हैं हापुड़, उनसे भी अवगत हम लोग हो गए हैं, और मंडल अधिकारी हैं मेरठ, उनसे भी अवगत हो गए हैं। लेकिन यहाँ उनके द्वारा जो आश्वासन हमें मिला है वो ये मिला कि खेल जनवरी या फरवरी में संभावित समय है। तो इस ग्राउंड पर जहाँ हम खड़े हैं, इस ग्राउंड का नाम है महाराणा प्रताप स्टेडियम, और इसी ग्राउंड पर ही हम लोग खेल कराना चाह रहे हैं, जो एक उचित व्यवस्था के अंतर्गत आता है। बस यही बातें हैं, और अधिकारियों तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। जी, हम यहाँ पे खेलने आते हैं। ये महाराणा प्रताप नाम से जो ग्राउंड है, भारत बासतपुर के अंडर में आता है, और यहाँ पे लगभग बासतपुर के अलावा भी 20 से 25 गाँवों के लोग बच्चे खेलने आते हैं, जिसमें हम भी खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि ब्लॉक स्तर के जो खेल हैं, जो गवर्नमेंट जो खेलों के लिए इतना प्रोत्साहन बच्चों को देती है, वो हमें भी मिले। अगर वो मिलेगा तो शायद उपकरण या ऐसी ही गवर्नमेंट से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, वो भी इस ग्राउंड पे और बच्चों को मिलेंगी, तो शायद यहाँ से ही बच्चे निकल के कुछ आगे जाएंगे। यहाँ पे महाराणा प्रताप मैदान है, ये अगर ये हमारा ब्लॉक स्तर पे काम किया जाता इस पे, तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत ही अच्छे निकलते, बहुत ही मेहनती हैं, और आसपास में कोई भी ऐसा मैदान नहीं है जो यहाँ पे ये मैदान है। ब्लॉक वाले कभी इस पे गौर नहीं करते। अगर हमारे यहाँ जैसे बालक मेहनत करते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, एक ना एक बच्चा अब तक हमारे यहाँ पे UP Under-90 या कोई से भी 90 में पहुँच जाता, पर हमारे यहाँ पे जो ब्लॉक ये इस तरह हैं, कोई मेहनत नहीं करता, बच्चे अपना आप ही करते हैं जो करते हैं। यहाँ पर क्या मांग है आपकी? मांग ये है सरकार से, ब्लॉक वाले यहाँ आए, इस पे थोड़ा मेहनत करवाएं, सुविधा करें। आप सभी दर्शकों को संवाद 365 की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।